ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं ओबीसी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक आप कौन से स्टॉक में पोजीशन बना सकते हो और किस साइड की पोजीशन बना सकते हो। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो इस लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है वो है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर को मैं बुलिश साइड लेके जा रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद। तो आप देख रहे हो इसमें आपको थोड़ा एक अपट्रेंड देखने को मिला, बाद में अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है और अभी ये जो देखो इधर से अप जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि ये आपको शायद ये ट्रायंगल जैसा इधर बना रहा है, जिसको बुलिश ट्रायंगल बोलते हैं। अगर ये ट्रायंगल को ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाता है, प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद ही आपको इसमें एंट्री लेना। अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाता है प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद, तब आप इसमें बुलिश आ सकते हो। तब आपको ऐसा लगे कि नहीं अभी मेरे को प्रॉपर अप ट्रेंड दिख रहा है, तब आप वहां से बुलिश साइड एंट्री ले सकते हो, मतलब बाय साइड एंट्री ले सकते हो। तो नॉर्मल बात है, ट्रायंगल मिला है, बुलिश ट्रायंगल मिला है टीवीएस मोटर में, इसीलिए हम इसको बाय साइड लेके जा रहे हैं। बाद में जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है कौन सा, वो देख लेते। तो बाद में जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है एबीसी कैपिटल। अभी एबीसी कैपिटल क्यों है, तो देखो इसमें आपको एक बड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। बाद में क्या हुआ कि इधर कंसोलिडेट कराए, ऊपर गया, नीचे गया, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। मतलब क्या किया इसने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है जो इसका मेन सपोर्ट रहेगा आगे आने वाले दिनों में भी। तो अगर आपको ये कौन सा प्राइस है वो जानना है, तो ये प्राइस आई थिंक 77 निकल के आ रही है। तो 77 या 75 का करीब ये इसका क्या है कि अगर इन फ्यूचर मिल जाता तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हो सके तो मेरे को नहीं लगता कि वहां मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो अभी ये क्या है कि एक ट्रायंगल बना चुका है, उसका प्रॉपर तरीके से इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो हो सकता है ये आपको अपसाइड देखने को मिले, लेकिन क्या किया इसने हाल फिलहाल ये रिट्रेस करा है, और रिट्रेस भी आई थिंक ये क्या है कि ये लाइन पे ही करा है। देखो इधर से फिर से ऊपर निकल गया, तो हो सकता है आगे आने वाले दिन में अगर ये आपको प्रॉपर अपसाइड में दिखता है, अगर ऐसा कोई साइन देता है कि ये अपसाइड जा सकता है, तब आप इसमें बुलिश में आ सकते हो, मतलब बाय साइड लेके जा सकते हो। मेरा व्यू जो एबीसी कैपिटल में है वो बुलिश है। अगर मेरे को क्या है कि कोई ऐसी पैटर्न मिले कि इधर से चार्ट पैटर्न मिले, या कुछ क्या है कि 1 आवर्स में कोई छोटी सी चार्ट पैटर्न मिल जाए जो बुलिश हो, तो मैं इसमें बाइंग में आ जाऊंगा एबीसी कैपिटल में। इन सिंपल जो हमारा एबीसी कैपिटल है वो हाल फिलहाल के लिए बुलिश में है, लेकिन इसमें आपको प्रॉपर थोड़ा सा 1 आवर्स छोटे टाइम फ्रेम पे क्या है कि अपसाइड देखने को मिले, तब की बात है ये। और देखिए इसमें आपको स्टॉप लॉस हर जगह लगाना है, कोई भी ट्रेड लो स्टॉप लॉस लगाना है। ऐसा नहीं होता कि आप बिना स्टॉप लॉस के काम कर रहे हो, कितना भी टाइम फ्रेम हो, 5 मिनट से लेकर 1 वीक का भी टाइम फ्रेम क्यों ना हो, आपको स्टॉप लॉस लगाना है अगर आपको अपना कैपिटल सेफ करना है। तो आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के चलिए, उसको आगे लेते जाइए, और आपको अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहां से निकल जाइए। ऐसा नहीं कि मैं और वेट कर लूँ, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बाद में जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो देख ले, तो तीसरा स्टॉक है आरबीएल बैंक। अभी आरबीएल बैंक क्यों है वो देख लेते हैं। तो आरबीएल बैंक में मेरे को अभी हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड वाला दिखाई दे रहा है, एक डाउन ट्रेंड, बाद में ये पहला शोल्डर, बाद में ये हेड, बाद में ये दूसरा शोल्डर अभी बना रहा है, अभी तक इसने बनाया नहीं है। अगर ये इसको बना के प्रॉपर ब्रेकआउट कर देता है तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, तो ये आपके बाय लिस्ट में होना चाहिए अगर प्रॉपर एंट्री देता है तब। अगर ऐसे ही इधर से रिवर्स आ गए तब आपको इसमें कुछ नहीं करना। अगर ये इधर से प्रॉपर एंट्री बाय साइड की देता है ऊपर जाने की, तब आप इसमें बाय साइड आ सकते हो। तो जो हमारा आरबीएल बैंक है उसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखो। अगर ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट देके ऊपर जाता है, तब आप आरबीएल बैंक में बाय साइड आ सकते हो। बाद में इसके आगे का स्टॉक है वो है जस्ट डायल। जस्ट डायल मेरे वॉच लिस्ट में क्यों है वो देख लेते। तो आपको इसमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला, बाद में अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है और क्या है कि बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना रहा है, लेकिन ये लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। एक बार ऊपर गया, नीचे आ गया, दूसरी बार गया, नीचे आ गया, अभी तीसरी बार उसी लेवल पे पहुंचा है। अगर ये इस लेवल को या ये जोन है जो इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, तब आप इसमें जस्ट डायल में एक अच्छा सा मुंह देखने को मिल सकते हैं। शायद 650 के करीब यह पहुंच सकता है, अगर ये इधर से ऊपर प्रॉपर तरीके से निकल गया तब। फ्रेक ब्रेकआउट देता है तब की बात मैं नहीं कर रहा, आपको पता होना चाहिए कौन सा फ्रेक ब्रेकआउट है, कौन सा सही ब्रेकआउट है।
अगर सही ब्रेकआउट दे दिया इसने तो इधर से आपको 650 का लेवल जस्ट डायल में देखने को मिल सकते हैं। और इसमें भी सेम स्टॉप लॉस लगा के रखो, सब में स्टॉप लॉस लगा के रखो, अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगाओ। और ये वन डे पे एनालिसिस है तो आपको थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा क्योंकि आपके टारगेट भी इसमें बड़े होंगे, तो आप अपने स्टॉप लॉस अपने हिसाब से प्रॉपर जो आपको लगे वो स्टॉप लॉस लगा के इसमें आगे जा सकते हो जब ये प्रॉपर इस जोन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए तब। तो इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है एलएनटी। अभी एलएनटी क्यों है, तो इसमें आपको एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बाद में ये जो हमारा क्या होता है कि डिमांड जोन होता है वहां से ये अप जाने की कोशिश करा, इधर एक हरामी पैटर्न भी बना दिए और इसमें आपको क्या है कि इसकी कंफर्मेशन भी मिल चुकी है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिन में लार्सन एंड टुब्रो आपको एक अप ट्रेंड में दिखता हुआ दिखे। बाद में अगर इसमें मैं आपको क्या है कि कैंडलस्टिक है तो मैं बोल सकता हूँ कि चलो ये कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे जस्ट थोड़ा नीचे, इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ और आपको ये जो लेवल है ये आई थिंक ये जो लेवल फर्स्ट टारगेट ये रखो जो 1360 का है। अगर इसके ऊपर चाहिए मेरा का लेवल तो 1400 का लेवल रखो। तो ऐसे ही आपको क्या है कि प्रॉफिट लेके ऊपर जाना होता है, स्टॉप लॉस नीचे लगाना होता है। जैसे जैसे आपको आगे आगे जाते जाओ वैसे वैसे अपना स्टॉप लॉस भी शिफ्ट करते जाओ तो आपको क्या है कि पूरी तरह से एक अच्छा सा मूव कैचअप कर सको। तो ये थी हमारी ओर से एक पोजिशनल ट्रेड के लिए वॉच लिस्ट। नेक्स्ट वीक्स भी इसमें कोई कोई ट्रेड एक्टिव हो सकते हैं तो आप इसको वॉच लिस्ट में बना के रखो। जहां भी आपको ऐसा लगे कि मेरे को इधर से ट्रेड लेना चाहिए तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटर टैग गुड बाय, जय हिंद।